फ्रेम ऑफ साइड स्मॉल एल ऑफ आइडेंटिकल मेटेलिक रोड कॉर्नर ए एंड सी आर हीट फ्लो फ्रॉम ए टू सी डब्ल्यू ए सी तक जो हीट फ्लो हो रही है उसका रेट आपको डब्ल्यू दे रखा है तो अगर आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को आप देखोगे आई इक्वल टू वी बाई आर और हम लोग जानते हैं Resistance, इसका रेजिस्टेंस आर है इसका रेजिस्टेंस भी आर है आइडेंटिकल इसका भी आर है इसका भी आर है ये ऊपर ए टू बी बी टू सी आर ओर टू आर ए टू डी डी टू सी आर ओर टू आर टू आर टू आर दोनों पहले में जाएंगे नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा आर ये आपकी इक्वेशन नंबर वन हो गई अब सिचुएशन कह रहा है हम बना लेते हैं। ए बी सी डी यहाँ का टेम्परेचर टी वन यहाँ का टेम्परेचर टी टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज एन डब्ल्यू बाई थ्री लेट आई गिवन यू एन डब्ल्यू बाई थ्री देट इज गिवन यू आईडेश अच्छा पहले आपका कितना था पहले आपका W था तो वी कैन से T1 वन माइनस टी टू बाई आर इक्वल टू डब्ल्यू एक हम ये भी कह सकते हैं अब आईडेश की वैल्यू निकालेंगे वोल्टेज तो वही हुआ T1 वन माइनस टी टू टेम्परेचर डिफरेंस तो वही है अब रेजिस्टेंस निकालना इसका रेजिस्टेंस आर 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 थ्री आर हो गया इसका रेजिस्टेंस हो गया आर सो आई थिंकल थ्री आर एंड इज फोर आर तो नेट रेजिस्टेंस विल बी गिवन यू थ्री आर बाई फोर ओके एंड दिस इज गिवन यू एंड थ्री लेट आई सेब्ल्यू डैश मान लेता हूं है ना यहा एनडब्ल्यू भी कुछ भी कर सकते हैं मैंने इसको एनडब्ल्यू बाई थ्री भी लिख सकता हूँ इट इज इक्वेशन नंबर टू अब मैं वन और टू को डिवाइड करता हूँ तो वॉट वी कैन से टी वन माइनस टी टू बाई आर टी वन माइनस टी टू बाई आर टू से डिवाइड किया वो भी कितना टी वन माइनस टी टू और यहाँ पे फोर है ऊपर आ जाएगा थ्री आर सिमिलरली इधर आ गया w यहाँ पे आ गया एनडब्ल्यू बाई थ्री अब आपका जो कैंसिल हो रहा है उसको हम हटा देते हैं T1 वन माइनस टी से T1 वन माइनस टी कट गया R से R कट गया W से W कट गया 3 से 3 कट गया अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आप लोग देख रहे होंगे यू विल गेट N इक्वल टू फोर सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द N आंसर विल बी फोर